तो ये है 60 किलोमीटर का मेल वेनर। तो आप कहाँ से हो ब्रदर? तो यहाँ में होगा रजिस्ट्रेशन। तो फाइनली हम लोग बासर पहुँच चुके हैं। ये है रजिस्ट्रेशन करने का जगह। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त लोग, ये आप लोग देख सकते हैं लेंजिंग पूरा थक चुके हैं, जर्नी में हालत ख़राब, उसका चेहरा ही बदल गया, हुलिया ही बदल गया। और ये है चाबी, बट इसका नाम अलग है। हम लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तुम ये रजिस्ट्रेशन करेगा, अभी देखते हैं होता कि नहीं। तो ये है विजय डेका भैया। तो ये है इंटरनेशनल प्लेयर है। तो आप कुछ बोलिए, आप कुछ कहिए, बासर आके कैसे लग रहे? मैं सोच नहीं सकता था कि मेरा दोस्त आएगा और मेरा वीडियो बनाएगा। थैंक्स बोलता हूं ओके बनाने के लिए। ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को। थैंक यू। अभी पुल एग्जाम पूरा सीरियस में देख। ड्रिल ऑफ दिस थोड़ा हार्ट रेट अप करेंगे। वी डू द सेम ड्रिल, जस्ट फॉलो मी। चीज आ रही थी ना, कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर। रहीम भाई कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। संजय भाई 5 किलोमीटर। जामुदस कितना किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर आप? 10 किलोमीटर ना। ओके, तो हमारा रनिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट है ये है SFS स्कूल बासर। यहाँ से 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सब यहीं से स्टार्टिंग होगा। तो सभी रनर्स लोग पूरा वार्म अप कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा। अरे गुड मॉर्निंग सर। All the best, sir. Thank you. हम लोग देख सकते हैं हम लोग इस रास्ते में दौड़ा है। हम लोग जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ बाइक रख के गया था, तो इसलिए हम लोग फिर बाइक लेके आया है। अभी फिनिशिंग पॉइंट में जा रहा है। ये देखिए पूरा पहाड़, ये थोड़ा डाउन है, उसके बाद वहाँ में हिल भी होगा। ये आप लोग देख सकते हैं सेम्बोर, ये आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता। ये है यहाँ से 5 किलोमीटर और यहाँ से 10 किलोमीटर जो यहाँ से रनिंग करके गया है, और 5 किलोमीटर जो यहाँ से। ये जगह में हालत खराब हो गया हमको, पूरा हिल है ना, यहाँ से पूरा हिल है। चलो अभी वहाँ खड़ा बहुत ही हालत खराब है, पूरा हिल। वाओ ये देख सकते हैं आप, फीस पाउंड। ये देखिए यहाँ पे एक तो गालों हाउस है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो ना मट्टी में नहीं गड़ा है, ये पूरा ऊपर से बनाया गया है, पत्थर के ऊपर में रखा है जो पोस है। और यहाँ पे एक प्यारा सा ब्रिज भी है, ये ट्री हाउस। ये देखिए ये भी यहाँ में ये बोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए बोटिंग कर रहे हैं लोग। यहाँ में फिनिशिंग लाइन है, यहाँ में फिनिशिंग देख सकते हैं। अभी 30 किलोमीटर का जो रनर्स है वो कुछ लोग आ गया, और 10 और 15 का तो सुबह ही हो गया था।
फिनिशिंग पॉइंट। तो 30 किलोमीटर का जो रनर्स है फीमेल मेल आ चुके हैं, तो उन सभी से मिलाऊंगा। तो ब्रदर आप कितना से कितना में आया है पोजीशन? पोजीशन 5 है मेरा। और कौन सा मीटर में दौड़ा है आप? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ना। और आप कहाँ से हो? सिक्किम से है ना। और कंग्रेचुलेशन, नेक्स्ट टाइम और बेस्ट देना। और दीदी आप कहाँ से है और कितना किलोमीटर में दौड़ा है, अपना थोड़ा डिटेल बता दीजिए। दार्जिलिंग से ना। और कौन सा डिस्टेंस में दौड़ा है आप? 30 में ना। कौन सा पोजीशन आया? 3rd नंबर आया ना। और कंग्रेचुलेशन आपको। एंड यहाँ हमारा ब्रदर हैंडसम लग रहा है। तो ब्रदर आप अपना ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम बीरबहादुर राय, मैं सिक्किम से बिलोंग करता हूँ। आज आप लोग का अरुणाचल में आके दौड़ने का मौका मिला। आप लोग सबको धन्यवाद। अरुणाचल वासी पूरा पूरा ऑर्गेनाइजर से पूरा टीम आप लोग सबको थैंक यू सो मच। और सेकंड पोजीशन में आया बहुत। आपके ना सेकंड पोजीशन आया ना, 30 किलोमीटर। ओके ओके। और एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा होगा, मस्त है ना एकदम। अच्छा, ये 30 के का मेल में आप ये फॉरेस्ट का नाम बता दीजिए, कहाँ है ना, कहाँ का है? फर्स्ट मेरा भाई सिक्किम का ही है। सिक्किम का है वो ना? जी, मैं भी सिक्किम से। वो भैया का नाम बता दीजिए। रिंगसम भाई। रिंगसम भाई ना। वो कहाँ में होगा ना? जी शायद उन गया होगा। ओके ओके। वो शाम को मिलेंगे हम जरूर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो भैया आप कितना पोजीशन में आया? 7 नंबर में आया ना। 30 किलोमीटर ना। ओके, कंग्रेचुलेशन आपको। नेक्स्ट टाइम अपना बेस्ट देना फिर से ना। हाँ, पहले बार ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके ओके। आप लोग देख सकते हैं, यस डॉग्स लुक, ये पूरा ग्रुप में है, बहुत बढ़िया लग। आजा आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा इधर आजा। डॉग का पूरा फॉर्म बोल सकते आप लोग यहाँ में। ये देखिए पूरा ना डॉग्स है। ओ माय गॉड, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बोटिंग करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसे होगा। चलिए अभी बोटिंग करने जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा ना भरा है। चलिए तब तो अभी बोटिंग करते हैं। ओह, गिरेगा तो नहीं है ना। तो हम अभी बोट में उठा चुके हैं। रस्सी खुल गया, रस्सी खुल गया, रस्सी खुल गया, रस्सी खुल गया। आ जाओ यार, देखते हैं अभी बोटिंग का मजा लेने वाला है। तो अभी संजय भाई और रहीम भाई पूरा यहाँ में चला रहे, ड्राइवर दोनों ड्राइवर बन रहे और हम लोग है ऐसे बैठ रहे। आगे चलो। ड्राइवर नया है, दोनों नहीं सक रहे करने के लिए। बोलो आर्मी लो तो पूरा कर रहे। ड्राइवर दोनों बहुत खराब, यहाँ में अपना एफर्ट लगा रहे हम लोग को ले जाने के लिए, क्योंकि वेट ज्यादा हो गया आई थिंक। दीदी भी बैठा हुआ यहाँ में यंग का। हेलो गाइस, तो हम लोग मैराथन का जो फिनिशिंग पॉइंट है उसमें हम लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं। 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का अभी तक नहीं आया। 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर का तो सुबह ही फिनिशिंग हो गया था। तो अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन तो शाम को होगा। नहीं, हम इन्जॉय करें, इन्जॉय। वापस नया ड्राइवर है ना, इसलिए उल्टा पुल्टा जा रहा है। ओए कहाँ जा रहे बैग 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 हम लोग कर रहे हैं अभी बोटिंग। बोटिंग 60 किलोमीटर का जो मेल है वो अभी पहुंचने वाला है। उसका नाम है सोम बहादुर, जो कि दार्जिलिंग से है। चलिए तो वेट करते हैं। 60 किलोमीटर, सोम बहादुर आ चुके हैं यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं 60 किलोमीटर का जो मेल है ये सबसे फर्स्ट में है, मानना पड़ेगा इसको तो। ओह माय गॉड। लगता है अभी और 20 किलोमीटर दौड़ेगा। तो मैं आप सभी को मिलाऊंगा
60 किलोमीटर का जो मेल विनर है उन सभी से मिलाऊंगा। तो ये है 60 किलोमीटर का मेल विनर। तो आप कहाँ से हो ब्रदर? दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से ना, दार्जिलिंग एग्जैक्ट कौन सा जगह से है आप? दार्जिलिंग रिम्बिक। रिम्बिक ना, अगर आप प्रोफेशनल रनर हो, ट्राई रनर हो ना। ओके, पहले में आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया था? मैंने जो SRT वाला पुणे का है जी, एक सोलंग का जी, वो हिल रेस है और बुद्ध ट्रेल। अच्छा, रिम्बिक का होता है वहाँ पे होता है और यहाँ पे और नेपाल भी। नेपाल भी क्या? अगर अच्छा, आपने न्यू रिकॉर्ड बनाया बासर मैराथन, बासर अल्ट्रा मैराथन में, तो कैसे लग रहा है आपको? फर्स्ट आया है, न्यू बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है ना। आप 60 किलोमीटर कितना टाइमिंग लिया आप बता दीजिए? 6 आवर्स 20 मिनट में आपने कम्प्लीट किया। तो आपको मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मतलब हम भगवान से प्रे करते हैं कि आगे और मतलब इससे भी सक्सेस हो ना। तो हम तो एकदम बहुत बड़ा बिग फैन है, क्योंकि मानना पड़ेगा 60 किलोमीटर 6 आवर्स 20 मिनट में कंप्लीट करना बहुत प्राउड की बात है। 60 तो अभी हम लोग यहाँ पे म्यूजिकल नाइट में है। तो आज ये क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा और सिंगर भी आएगा, हम लोग बहुत एंजॉय करने वाला है। तो चामू और ये भैया तो एंजॉय करेगा ना दोनों? ये स्पॉट एंजॉय करेगा। आज शाम हम लोग डीजे नाइट ना मस्ती करेंगे। दिन को बहुत मेहनत किया, दिन को बहुत तकलीफ हुआ, आज थोड़ा मैनिफेस्ट करेगा, मैनिफेस्ट करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं रात का माहौल। फिलहाल यहाँ में जो आज का जो गैस है, कुछ लोग पहुँच चुका है, अभी कुछ लोग आना बचा है शायद। तो ये है आज का स्टेज। ये पानी के ऊपर में स्टेज बनाया गया है हमें। ओ अब देख सकते हैं डार्क, इतना वजह से तैर के जा रहा है। Manner with all of you people supporting us. Now, ladies and gentlemen, this brood is brought to you by the NGO of this Laparada district, that is Gumin Rigo Kulaju, stands GRK, and in collaboration with the Run Monk and Raise Time India. Now, taking this time, I would like to take this opportunity and honor to invite the president of GRK to formally welcome all the gatherings. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the president of GRK, the NGO Gumin Rigo Kulaju, for formally welcoming. और हेल्दी रहने के लिए बहुत बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा हेल्दी रहना है तो आपको बहुत अच्छा खाना पड़ेगा, बहुत अच्छा पीना पड़ेगा। आप जो भी करते हैं अगर उसको आप एक्सरसाइज करके, फिजिकली मेहनत करके उसको अगर डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो आप एक सिंपल सा खाना भी आपके लिए अमृत है और वो आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको शरीर को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरत होता है। लेकिन अगर आप शरीर को हिलाएंगे नहीं तो आप दुनिया का सबसे हेल्दी खाना भी खाइए, वो आपको हेल्थ में, आपका हेल्थ में, हेल्दी शरीर बनाने में सहयोग नहीं करेगा। इट विल जस्ट बाईपास्ट फॉर योर इंटेस्टाइन एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड आल्सो अनलेस यू मूव योर बॉडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द थर्ड प्राइज विनर मिस्टर जेटी, हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर प्रशांत। एक बार जोरदार तालियों से उनको एक्नॉलेज करें। ये है मिस्टर प्रशांत, जिन्होंने 5 किलोमीटर मेल में 16.40 सेकंड में कंप्लीट किया है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर प्रशांत। एलियस, नाउ द विनर, द फर्स्ट पोजीशन सिक्योर्ड बाय अगलुमरो तौसिक। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड अप्लॉज फॉर मिस्टर अगलुमरो तौसिक। ही कंप्लीटेड हिज रेस इन 16 minutes. Can we have a huge round of applause for Mr. Aga Lumro Tosi? First prize in the 5K male category, Mr. Aga Lumro Tosi. Thank you very much, and thank you very much, sir. Congratulations to all the winners of 5K category. Yes, Mr. Aga Lumro Tosi, I would like to invite champion, Mr. Nimar Basar, GRK Secretary, to do the Omar.
who completed his 10 kilometer run in 40 minutes 55 seconds. So he completed his run in 40 minutes 55 seconds. We have Yo man Chamu Kamchung. Mr. Chamu Kamchung. He completed his race in 40 minutes 45 seconds. Mr. Chamu Kamchung. 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 Chamu Kamchung, can we have a huge applause? Jayanta Das. Mr. Jayanta Das. He completed his race in 34 minutes 38 seconds. Congratulations, Jayanta. Albina Dolat. So can we have a huge round of applause for Miss Albina Dolat? She completed in 45 minutes 59 seconds. Miss Albina Dole. Okay. Category is Miss Nadi. Can we have a huge round of applause for Miss Nadi Nye? She completed her race in 45 minutes 26 seconds. Hello for Mr. Gojum Rupa and his brother-in-law, Mr. Success for this event. This is the fourth edition. We are slowly getting there. We have one international athlete, and we believe that the next editions will have many more such great athletes coming across. Right? So that's the context of Brute. That's the context of ITRA. We really believe that this is a great platform, and through this platform, we are in a position to tell the world that Basar is here to stay, Brute is here to stay, and we have put Arunachal in the international map of the International Running Association. Thank you so much. Lika, you can take it away and announce the winners. Harang Cherry, can we have Harang Cherry? He completed his 60K running in 3 hours, 44 minutes and 29 seconds. Please put your hands together for Harang Cherry. Bariya! Winner of 30K mail. I believe Harang was here last year also. Thank you so much, Harang, for coming back again. And I'm very happy that this time you came and this time you won. I'm very happy to see you. Please, next year bhi aayega. Bahut sara friend saath hi leke aayega. Congratulations. Veer Bahadur Rai. Can we have a huge round of applause? Running number 336, Veer Bahadur Rai. इन्होंने अपना रेस कंप्लीट किया इन 3 hours 17 minutes and 40 seconds. Please put your hands together, ladies and gentlemen. The second secured by Veer Bahadur Rai with the running number 336. Thank you very much. Announce the winner of 30K chest running number 319, Nimsang Limbu. Can we have a huge round of applause for Nimsang Limbu? Nimsang Limbu, and he completed his race in 2 hours 58 minutes and 7 seconds. Huge accomplishment. Woo, Bariya! Nimsang Limbu. Okay. Nimsang Limbu, I believe पिछले बार भी हमारे साथ आए थे और पिछले बार भी इन्होंने first prize मिला. I believe that Nimsang, once again Nimsang. Congratulations. We are very much means. Suklama Sherpa, please come from Sikkim. Okay, we have Suklama Sherpa. Can we have a huge round? Come on, Suklama. Suklama Sherpa from Sikkim. She secured third place in 30K field. She completed her race in 4 hours 55 minutes and 16 seconds. Congratulations.
wish from the bottom of my heart that Brute achieves all the success that they have planned. Second prize, Himan Limbu. He also completed his race in 7 hours, 6 minutes and 47 seconds. He has completed 60 kilometers race. So congratulations, Mr. Himan Limbu. We are very much honored to have you. TK Mail, and the winner is... Yes? Who's the winner? Yes, Song Bahadur Thami. So can we have a huge applause for Song Bahadur Thami? Song Bahadur 60 kilometers.
ये अभी इसी वक्त मैं गौरी विलेज पे हूँ, इसको सबसे क्लीनेस्ट विलेज का इनाम भी मिला है। ये है बसर पे है लिपाराधा डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत ही क्लीनेस्ट विलेज है और बहुत सुंदर जगह है, इसलिए इसको क्लीनेस्ट विलेज का भी इनाम मिला है। हम लोग दो दिन यहाँ में स्टे किया है, एक्चुअली पर्सनल घर है ये, तो ये अंदर में रूम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए गेस्ट लोग का रूम भी है, तो पर्सनल रूम यहाँ में है वो लोग का। तो हम लोग ऊपर में सोया है एक रात, और एक रात यहाँ में सोया है। तो इसका यहाँ का ओनर जो मालिक जो आंटी बहुत ही अच्छा है, डाउन टू अर्थ है। तो अभी हम लोग आज बसर से आलो जाएगा, आलो से फिर पासीघाट, फिर पासीघाट से होकर के रोइंग जाएगा। और मेरा दोस्त चिदा ये सेपा की ओर जाएगा, शायद ये लिखापली से जाएगा, लिखापली से जाएगा ना। तो इसका आप कौन कौन जा रहा है आप लोग? हाँ, हम अकेला जा रहे हैं और एक दोस्त है चामू भी जा रहा है ना, चामू और उसका तो साथी वाला। फिर उससे नेक्स्ट कंपटीशन में मिलेंगे है ना, मगलन जी क्या रहेगा। तो आप कुछ बोलिए, बसर मैराथन का एक्सपीरियंस बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसे लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, प्राइस तो मिला है ना फिर? सेकंड मिला ना। ओके, आप कहाँ से हो? हम पासीघाट से। पासीघाट से है ना। ओके ओके, तो हम लोग आज फिर साथ में ही जर्नी करेगा, आते समय भी साथ में आया था, हम जाते समय भी साथ में जाएंगे पासीघाट पे, पासीघाट तक। तो अजिंग चिरी कैसे लगा यहाँ में आकर के? ठीक लगा है। ठीक नहीं लगा, तंदा मम्मी। दीदी कैसे लगा है? तो आज का वीडियो इतना में एंड करते हैं। आप सभी लोगों ने मेरा ब्लॉग को बहुत एंजॉय किया होगा मैं विश्वास करता हूँ। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड लास्टली थैंक यू ब्रूट, आप लोग ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट टाइम फिर से जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।